हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एन जी के। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से जो है टॉप 50 जनरल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और आज हम लोग जो है वो एंटोमोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप जो है इफको एजीटी प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप स्क्रीन पर दिया हमारे ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है आपको जो है रिकॉर्डेड जो है क्लासेस मिल जाती है अकॉर्डिंग टू योर स्टडी मटेरियल, यानी आपका जो भी सिलेबस रहेगा उसकी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। प्लस आपको जो है 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। प्लस आपको जो है प्रीवियस ईयर के आपके एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो यहाँ पर प्रोवाइड किए दिए जाएंगे, ताकि आपकी जो है प्रिपरेशन में जो है वो और भी ज़्यादा जो है हेल्प हो सके। और आपको जो है फ़िलहाल जो है इस कोर्स में जो है वो 20% जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये डिस्काउंट जो है वो सिर्फ जो है पहले जो 150 स्टूडेंट रहेंगे सिर्फ उनके लिए ही है। आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारे ये कूपन कोड यूज़ करके कोर्स में जो है वो 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। और पिछले साल की हमारी इफको एजीटी एग्ज़ाम में जो है 25 प्लस सिलेक्शंस हमारे कोचिंग से निकले हैं, तो जो है आप भी इनमें से एक हो सकते हैं इस साल। तो अगर आप जो है इस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो जो है आप हमारा ये कोर्स जो है वो हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है एग्रीकल्चर एनजी के वहाँ से परचेस कर सकते हैं, या फिर जो है आप हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, वॉरफेरिन इज अ, तो वॉरफेरिन ये जो है ये रोटेंडिसाइड है भी है और एंटीकोवेलेंट भी है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबाव, क्योंकि वारफेरिन ये जो है एक मेडिसिन यूज़ की जाती है एज अ एंटीकोवेलेंट या फिर ब्लड थिनर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, बोर्डेक्स मिक्सचर इज यूज एज, तो इसे जो है एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ किया जाता है। बोर्डेक्स मिक्सचर में जो है कॉपर सल्फेट लाइम और वाटर होता है जो कि इफेक्टिव फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड है। और ये जो है फ्रूट और नट्स ट्रीज में जो डिसीज होते हैं इंसेक्ट की वजह से उसे जो है वो क्योर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट रिपेलेंट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ बॉडी टू स्टार्ट डिकम्पोजिंग, यानी बॉडी जो होती है हमारी उसे जो है डिकम्पोज होने के लिए जो है वो कितने आवर्स लगते हैं, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो उसे जो है वो 72 आवर्स लगते हैं। और ये जो है ये सवाल यहाँ पर इसलिए पूछा गया है क्योंकि बॉडी डिकम्पोज होने के बाद जो है उस पर जो है इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं वो अटैक कर लेते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट आर वूली बियर कैटरपिलर थॉट टू प्रेडिक्ट, यानी जो है वूली बियर कैटरपिलर ये किस चीज़ की भविष्यवाणी करती है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो ये जो है ये लेंथ ऑफ विंटर जो है बता देती है, ऐसा लोगों का जो है वो मानना है। वूली बियर कैटरपिलर ये जो है इसे जो है वो इसाबेला टाइगर मॉथ कहते हैं और इसके लार्वा को जो है वो वूली बियर कहते हैं। और ये जो है यूनाइटेड स्टेट और साउथर्न कैनेडा में जो है वो पाई जाती है और इसे जो है वो नाम दिया गया है बाय जेम्स स्मिथ इन 1797। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मेन स्टेजेस आर देयर इन कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, एक इंसेक्ट जो है वो अपनी 4 स्टेजेस में जो है अपनी पूरी जो है लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस होती है वो कंप्लीट करते हैं और इसे जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू इंसेक्ट ब्रीथ, यानी जो है इंसेक्ट क्या ब्रीथ करते हैं नीचे दिए गए में से, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो भी इंसानों की तरह ऑक्सीजन ही ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फीमेल विनेगर फ्लाइज लेज देयर एग, इन्हें जो है फ्रूट फ्लाइज भी कहते हैं और ये जो है गार्बेज कैंस रोटनिंग फ्रूट क्लोइड ड्रेन्स में भी जो है अपने एग्स को जो है वो ले करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कैटल ग्रब्स आर अ टाइप ऑफ, तो कैटल ग्रब ये जो है ये फ्लाई है, नॉर्थ अमेरिका में जो है
इसके जो है वो टू स्पीसीज जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, और जो है इसे हील फ्लाइज और जो है लार्ज रॉबस्ट फ्लाइज भी कहते हैं, और इनका साइज़ जो होता है वो बी की तरह होता है, और इनका कलर भी जो है वो बी की तरह होता है, लेकिन ये जो है ये फ्लाइज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैमेज टू ट्रीज बाय द पेरियोडिकल सिकाड़ा इज कॉज बाय, यानी जो है पेरियोडिकल सिकाड़ा की वजह से जो है ट्रीज को क्या डैमेज होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सिकाड़ा ये भी जो है एक इंसेक्ट है जो कि हेमनिप्टेरा जो ऑर्डर है उसमें आते हैं, और ये जो है ट्रीज पर जो है अडल्ट फीमेल्स जो होती है सिकाटास की, वो जो है अपने एग्स जो है वो ले करती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अडल्ट फीमेल सिकाडाज लेइंग देयर एग्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द कॉर्न ईयर वॉर्म इज ऑल्सो नोन एज, तो कॉर्न ईयर वॉर्म को और क्या कहा जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो जो है कॉर्न ईयर वॉर्म को जो है वो ना ही टोमेटो हॉर्न वॉर्म कहा जाता है, ना ही लीफ वॉर्म कहा जाता है कॉटन का, इसे जो है वो कॉटन बोल वॉर्म या फिर जो है टोमेटो फूट वॉर्म कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर ए नॉर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इंसेक्ट अराइव टू द क्रॉप्स फर्स्ट, यानी यहाँ पर क्रॉप्स मतलब कि लाश, लाश पर जो है सबसे पहले जो है वो कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं या फिर आते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो लाश पर जो भी बैठते हैं इंसेक्ट उन्हें जो है वो ब्लो फ्लाइज कहा जाता है, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्लाई। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द बग्स, तो बग्स के लाइफ साइकिल में सबसे पहले एग आता है, फिर लार्वा आता है, फिर पूपा, फिर अडल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा एग, लार्वा, पूपा एंड अडल्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट रोल डू इंसेक्ट प्ले इन अ क्राइम, तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, दे डिटरमाइन हाउ लॉन्ग समवन हैज़ बीन डेड, तो ये बराबर है, इंसेक्ट बता देते हैं कि बॉडी कितनी पुरानी है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, दे हेल्प डिटरमाइन इफ द कॉप्स हैज़ बीन मूव, यानी लाश को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है तो ये भी इंसेक्ट बता देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, दे हेल्प डिटरमाइन कॉजेस एंड मैनर ऑफ डेथ, तो ये भी बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउ डज वेदर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट, यानी वेदर का और इंसेक्ट की ग्रोथ का यहाँ पर जो है एक प्रकार से रिलेशन क्या है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है कि किस तरह से वेदर अफेक्ट करता है। तो अगर वेदर अगर ज़्यादा हॉट होगा तो बग्स जो है वो फास्ट ग्रो करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ द टेम्परेचर इज हॉटर देन द बग्स ग्रो फास्टर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, वेयर डू फ्लाइज ले देयर एग्स ऑन द फ्रेश क्रॉप्स, यानी लाश पर जो है कहाँ पर जो है फ्लाइज जो है अपनी जो है एग्स जो है वो ले करती है, यानी वहाँ पर जो है अपने एग्स को डाल देती है, तो ये क्या करती है, जो भी मॉइस्ट और वार्म एरियाज होता है जैसे कि माउथ और आईज, यहाँ पर अपने जो एग्स होते हैं वो ले करती है, जैसे कि ब्लो फ्लाइज जो है वो इजीली जो है वो कॉप के पास जो है विद इन द मिनट्स जो है पहुँच जाती है, फिर उनमें जो फीमेल फ्लाइज होती है वो टेस्ट करती है और देखती है कि ये हमारे लार्वा के लिए अच्छा फूड है या नहीं, और वहाँ पर जो है 100 ऑफ एग्स जो है वो ले कर देती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हेन डू द एग्स हैच इनटू लार्वा, यानी कितने दिन में जो है एग्स में से लार्वा निकलता है, तो इसका आंसर है 12 to 24 आवर्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउ लॉन्ग विल द फ्लाइज स्टे ऑन द बॉडी, तो बॉडी पर जो है वो फ्लाइज कितने देर तक रह सकती हैं, तो फ्लाइज जो है वो 10 to 25 डेज तक वहाँ पर रह सकती हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, वॉट हैपन टू लार्वा ऑन द डे 5, तो एक के बाद जो है लार्वा जो है वो प्रोड्यूस होता है, और लार्वा के बाद जो है वो पूपा प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे बिगेन टू पुपेट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्टैक्ट पॉइजन, तो इनमें से जो है कौन सा कॉन्टैक्ट पॉइजन है ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, मैलाथियन, तो मैलाथियन ये जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है, और इसे जो है USSR ने जो है वो कार्बोफॉस कहा है, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इसे जो है मेल्डिसंस कहते हैं, और साउथ अफ्रीका में इसे जो है मेरकैप्टोथियोन कहते हैं,
और जो है ये क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है और ये ह्यूमंस के लिए जो है वो टॉक्सिक होता है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी अगर लो कर दी जाए तो ये सेफ होता है। तो मतलब कि ये भी जो है वो टॉक्सिक होता ही है ह्यूमंस के लिए। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, पायरेथ्रम, ये भी जो है ये एक इंसेक्टिसाइड है और ये जो है ह्यूमंस को जो है वो डाइजीनेस, हेडेक, नोजीसिया, मसल स्ट्रिचिंग और जो है ह्यूमंस में जो है ये एनर्जी रिड्यूस करता है। तो ये भी जो है ह्यूमंस के लिए हार्मफुल ही है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, डीडीडी, तो डीडीटी मतलब होता है डाइक्लोरोडाइफिनिल ट्रिक्लोइथेन, और ये जो है ये मॉस्किटो के लिए यूज़ किया जाता है और ये कलरलेस, टेस्टलेस होता है और ऑडरलेस होता है और ये भी जो है हार्मफुल होता है। नेक्स्ट दिया गया है आर्सेनिकल्स, तो ये भी हार्मफुल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ नर्व पॉइजन, नर्व पॉइजन कौन है, तो ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो है ये केमिकल कंपाउंड है और इसे जो है टेट्रा क्लोरोमिथिन भी कहा जाता है और ये कलरलेस होता है और ये हाईली टॉक्सिक होता है। तो और सेकंड दिया गया है SCN, तो SCN मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये भी जो है टॉक्सिक होता है और ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कैडिस फ्लाइज मे ऑफन रिसेम्बल स्मॉल टू मीडियम साइज मॉथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी जो है कैडी फ्लाइज जो है स्मॉल टू मीडियम साइज मॉथ्स जो है वो होती है, लेकिन इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में ट्रू है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कैडी फ्लाइज ये जो है ये मॉथ लाइक इंसेक्ट होती है जो कि लाइट की तरफ अट्रैक्टेड होती है नाइट में, और ये जो है ये लेक्स और रिवर्स पर रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैडी फ्लाइज आर एक्वेटिक इंसेक्ट, ये इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्लाइज आर नो टू जंप कंपैरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस बाइट पीपल एंड पेट्स, तो ये दोनों तो बराबर है इसके बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इंसेक्ट विद कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हैव फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रोथ स्टेजेस, तो मेटामॉर्फोसिस में जो है इंसेक्ट अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो उसमें 4 स्टेजेस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्या बोला गया है, यंग ग्रास हॉपर आर कॉल्ड, यंग ग्रास हॉपर को जो है क्या कहते हैं, उसे जो है वो नैप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, बॉडी डेवलपमेंट इन 4 स्टेजेस, एग, लार्वा, पुपा, एडल्ट, तो ये तो बराबर है और इससे जो है वो क्या होता है, इसे ही तो हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड रिलेटेड ऑर्थोपॉड्स, तो इसे जो है वो एंटोमोलॉजी की स्टडी कहते हैं, क्योंकि एंटोमोलॉजी मतलब ही क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अप्लीकेशन ऑफ एंटोमोलॉजी टू सिविल एंड क्रिमिनल लीगल केसेस, अगर जो है हम एंटोमोलॉजी का अप्लाई जो है केमिकल और जो है क्रिमिनल और सिविल लीगल केसेस में करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, तो इसे जो है वो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, डिपॉजिटिंग और लेइंग ऑफ एग्स, तो डिपॉजिटिंग और लेइंग ऑफ एग्स को जो है वो ओविपोजिशन कहते हैं इंसेक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउ लॉन्ग आर द लार्वा आफ्टर 4 to 5 days, यानी 4 to 5 days में जो है लार्वा की यहाँ पर जो है एक प्रकार से जो है वो लेंथ पूछी गई है, तो वो कितनी होती है, तो वो जो है वो 14 to 16 mm होती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट दैट आर यूज बाय रिसर्चर्स टू आइडेंटिफाई अ लार्वल स्टेज एज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इंस्टार्च, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंसेक्ट में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टार स्टेज होती है लार्वा की, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो है साइंटिस्ट जो है वो इंसेक्ट का ही कोई एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा है, तो वो है स्पिरेकल्स। स्पिरेकल्स ये जो है ये एक रेस्पिरेटरी जो है ओपनिंग होती है एक्सटर्नल इंसेक्ट में, तो ये जो है ये यूज़ की जाती है। दोस्तों अगर आप जो है IBPS AFO मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे
तो आप स्क्रीन पर दिया हमारा ये कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है आपको जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी मटेरियल दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं, और जो है 50+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है, और आपको जो है ओल्ड पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो सके। प्लस आपको यहाँ पर जो है इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाता है। तो अगर आप जो है हमारा ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है आप हमारा ये कोर्स हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है एग्रीकल्चर NGK वहाँ से जो है वो परचेस कर सकते हैं, या फिर जो है हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in वहाँ से भी आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। और इस कोर्स की प्राइस जो है वो सिर्फ 1499 रुपीज़ है। तो आप जल्दी से जल्दी ये कोर्स जो है एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट अप्लाई टू अरेकिनट्स। अरेकिनट्स यानी वो ऐसे स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें 8 लेग्स होते हैं, यानी उनकी 8 टांगे होती है, तो उनमें जो है जनरली एंटीना और विंग्स नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नॉन फीडिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन लार्वा एंड अडल्ट। तो पुपा स्टेज जो है ये जो है ये इनमोवेबल स्टेज कहते हैं, और ये जो है वो नॉन फीडिंग स्टेज होती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एंटोमोलॉजीज। तो हमें दिया क्या गया है, स्टडी ऑफ प्लांट्स ये तो नहीं होगा, स्टडी ऑफ क्राइम ये भी नहीं होगा, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ बग्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, आफ्टर डेथ फ्लाइज अराइव विद यू। तो मैंने कहा था कि ये जो है ब्लो फ्लाइज जो है ये कुछ ही मिनट्स में जो है वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनट्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एंटोमोलॉजी इज, तो एंटोमोलॉजी ये स्टडी है इंसेक्ट की, ये तो इसका आंसर हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द इंसेक्ट हैज़ 2 मेटामॉर्फोसिस टाइप्स, व्हाट आर दे। तो जो है जनरली मेटामॉर्फोसिस ये जो स्टेज है ये जो प्रोसेस है ये 2 टाइप की होती है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट स्टेजेस में जो है एग, लार्वा, पूपा और अडल्ट ये सारी स्टेजेस जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। इनकम्प्लीट में जो है इनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हेन द इंसेक्ट शेड्स इट्स एक्सोस्केलेटन इट इज नोन एज। तो हमने जो है इसके पहले जो एंटोमोलॉजी में जो है ये टर्म डिस्कस की थी कि जो है इंसेक्ट क्या करता है, अपनी जो बॉडी होती है उसकी आउटर, उसकी जो है वो एक प्रकार से जो है वो अपनी आउटर बॉडी से जो है वो निकाल देता है स्किन, तो उसे जो है वो मोल्टिंग कहते हैं। और जो है ये जो है इसे जो है हिंदी में जो है वो कोस निकालना कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मोल्टिंग। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ऑल इंसेक्ट आर आइदर बेनिफिशियल और पेस्ट इंसेक्ट। सभी इंसेक्ट जो है वो पेस्ट इंसेक्ट नहीं होते हैं, और सभी इंसेक्ट जो है वो बेनिफिशियल भी नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ आवर्स इज टेक्स फॉर इंसेक्ट स्पेसिस टू डेवलप टू अ गिवन स्टेज। यानी एक स्टेज कंप्लीट करते हैं तो उसमें जो इंसेक्ट हीट यूज़ करते हैं उसे जो है क्या कहते हैं, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो उसे जो है एक्यूमुलेटेड डिग्री आवर्स जो है वो कहते हैं। इस प्रोसेस में जो है इंसेक्ट जो है एक स्टेज को कंप्लीट करने के लिए जो है कितने अमाउंट ऑफ हीट को जो है वो यूज़ करते हैं, या फिर जो है वो थर्मल एनर्जी जो यूज़ करते हैं उसे मेज़र किया जाता है, उसे जो है वो एक्सपोज किया जाता है इन इट्स यूनिट्स। तो इसे जो है वो एक्यूमुलेटेड डिग्री आवर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इंसेक्ट बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 बॉडी पार्ट्स। तो ये आप सबको पता है इंसेक्ट जो है वो हेड, थोरैक्स और अबडोमेन ये 3 बॉडी पार्ट से बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मेन स्टेजेस आर देयर इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में कितने स्टेजेस होते हैं, तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बराबर नहीं आए हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो है अपनी लाइफ साइकिल जो है इंसेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है, एक के बाद जो है इंसेक्ट जो है
एक प्रकार से जो है पुरुष जो है वो नाइफल स्टेजेस प्रोड्यूस कर देता है, और इसमें जो है वो उसके बाद जो है जैसे कि एक नाइफ और जो है अडल, ये तीनों स्टेजेस आ जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल एनिमल आर इंसेक्ट। तो जो है 75% जो है वो इंसेक्ट्स जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट डू वाटर स्ट्रीडर्स फीड ऑन। तो वाटर स्ट्रीडर्स जो है वाटर में जो स्मॉल इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन पर जो है वो फीड करते हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो है काफ़ी सारे जो है स्मॉल इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंसेक्ट इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज हैव चीविंग माउथ पार्ट्स। यानी नीचे दिए गए में से जो है लाइस का चीविंग जो है माउथ पार्ट कौन सा है, ये यहाँ पर वो पूछा गया है। तो इसका आंसर है चिकन लाउस। लाइस ये जो है वो मीनोपोडाई की जो है मोनोफाइलेटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इन्हीं जो है वो चीविंग फ्लाइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्माइट्स। तो टर्माइट्स का नीचे दिए गए से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, दे हैव टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइज विंग्स व्हेन प्रेजेंट, तो ये बराबर है। दे हैव अ स्लेंडर वेस्ट बिटवीन द एबडोमेन एंड थोरैक्स, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दे हैव अ स्लेंडर वेस्ट बिटवीन द एबडोमेन एंड थोरैक्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू इंसेक्ट। यानी नीचे दिए गए से जो है कौन सा जो है वो इंसेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो वो है सॉबग, सॉफ्लाई ये भी इंसेक्ट है, ईयरविंग ये भी इंसेक्ट है, और एंटीलियन ये भी जो है वो इंसेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉबग। सॉबग इनका जो है माउथ पार्ट जो है वो होता है वुड लाउस, और इन्हें जो है वो वुड लाइज भी कहते हैं, और वो ये जो है ये ओल्ड जो वुड होता है उन पर जो है वो फीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू इंसेक्ट। यानी इनमें से जो है कौन सा ट्रू इंसेक्ट है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो वो है एंटलियन। एंटलियन ये जो इंसेक्ट है इसके जो है एनवायरनमेंट में जो है वो 2000 स्पीसीज जो है वो अवेलेबल है, और ये न्यूरोपेट्रॉन फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं, और ये जो है ये एंट्स वगैरह पर जो है वो फीड करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच इंसेक्ट इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर्मी एप्पल्स। यानी वॉर्मी एप्पल्स ये जो है ये किस इंसेक्ट की वजह से होता है, वॉर्मी एप्पल में जो है एप्पल के अंदर जो है वो कोल्डिंग मॉथ लार्वे जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्डिंग मॉथ लार्वे। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कॉमन नेम ऑफ इपिलेंचना इज। तो इसका कॉमन नेम है हड्डा बीटल, और ये जो है ये पोटैटो में जो है वो पोटैटो के जो फॉलिएज होते हैं उन पे फीड करती है, या फिर अदर जो सोलेनियस क्रॉप होते हैं उनके जो फॉलिएज होते हैं उन पर फीड करती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन्स इज यूज्ड अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। तो जो है नीचे दिए गए से जो है कौन सा जो है एज अ पैथोजन जो है वो इंसेक्ट पेस्ट पर जो है वो यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बैकिलो वायरस ये भी यूज़ किया जाता है, इंटराइजिंग स्पीसीज ये भी यूज़ की जाती है, और बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस ये भी यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बैकिलो वायरस ये जो है ये वाइड रेंज ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्ट को जो है कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसे जो है वो बायोपेस्टिसाइड्स भी कहते हैं, और ये जो है ये सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड में भी जो है वो यूज़ की जाती है। मेटाराइजियम स्पीसीज ये जो है ये टर्माइट और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, और जो मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। और बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस ये जो है ये बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है जो कि
इंसेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक हो जाता है। इंसेक्ट में जो है ये जो है एक क्रिस्टल जो है टॉक्सिक बाइंड जो है वो प्रोड्यूस कर देता है इंसेक्ट के गट वॉल पर, और उनमें जो है उनके सेल में जो है वो ब्रेक आ जाता है। इसीलिए जो है फिर इंसेक्ट जो है वो फीडिंग जो है वो स्टॉप कर देती है। इस तरह से ये तीनों भी जो है वो इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों अगर आप जो है कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे कि IBPSC हो, UGATE, SSSC, AAO, HPSC, ADO, NABARD एग्ज़ाम, GKSS भी, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, OPSC AO, OPSC AHO, OPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर, या फिर ICAR JRF, ASRB NEET, ICAR NEET, फिशरीज एग्ज़ाम, फॉरेस्ट्रीज एग्ज़ाम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्ज़ाम, या फिर त्रिपुरा FSO, या फिर TNMRP FSO, TNPSC AAO, या फिर जो है DSSSB SO हॉर्टिकल्चर, या फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की HMK एग्ज़ाम, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप स्क्रीन पर दिया हमारा इनमें से कोई भी एक कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कंप्लीट जो है वो सिलेबस के अनुसार जो है नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी, और इसके साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। प्लस आपको जो है इस कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। और ये सारी कोर्सेज जो है जो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है एग्रीकल्चर NG के, वहाँ पर जो है ये सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं। या फिर जो है अगर आप ये सारी कोर्सेज हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in, यहाँ से परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है एग्रीकल्चर NG के, इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।